सिंह चड्ढा के बायकॉट के बीच आमिर खान का बड़ा ऐलान। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत को लेकर आमिर खान ने कही बड़ी बात। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बायकॉट से डरे आमिर खान तो कहा, महाभारत के लिए मैं तैयार नहीं। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। इन दिनों आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर के काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। वजह है उनकी फिल्म का विरोध होना। दरअसल सोशल मीडिया पर आमिर खान का विरोध इस वजह से हो रहा है क्योंकि यूजर्स उन्हें हिंदू विरोधी मानते हैं। उनका कहना है कि जिसे अपने देश से प्यार नहीं है, हम उसकी मूवी नहीं देखने जाएंगे। इतना ही नहीं, आमिर खान की पत्नी द्वारा दिया गया बयान कि उन्हें भारत में डर लगता है और वो अपने परिवार सहित विदेशों में जाकर बसना चाहती हैं, इसे लेकर के भी आमिर खान का विरोध हो रहा है। और यही वजह है कि लोग फिल्म लाल सिंह चड्ढा का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। वहीं इस बीच आमिर खान की एक और फिल्म महाभारत को लेकर के आमिर खान ने बड़ी बात कही है, जिसके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या आमिर खान की आने वाली फिल्म महाभारत का भी बायकॉट होगा, जिसकी वजह से आमिर खान को डर लग रहा है और वो कह रहे हैं कि वो इस फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध करना चाहिए या फिर नहीं। बता दें कि आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा आखिरकार 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। आमिर इस फिल्म की रिलीज को लेकर उत्साहित हैं। वहीं वो कह चुके हैं कि उन्होंने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। वहीं एक्टर से एक अन्य प्रोजेक्ट यानी कि महाभारत के बारे में जब मीडिया द्वारा सवाल किया गया तो वो इस पर चौंक गए। दरअसल महाभारत को आमिर का ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया जा रहा है, लेकिन क्या वो जल्द ही इस पर काम शुरू कर देंगे, उन्होंने इस पर अपनी राय शेयर की है। बता दें कि इस बात को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है कि एक्टर 1,000 करोड़ रुपए के मेगा बजट में महाभारत को पर्दे पर लाने के इच्छुक हैं। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए आमिर ने कहा कि जब आप महाभारत बना रहे हैं तो आप एक फिल्म नहीं बना रहे हैं, आप एक यज्ञ कर रहे हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है, इसलिए मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इसे सामने लाने से डरता हूँ। महाभारत आपको कभी निराश नहीं करेगा, आप इसे निराश कर सकते हैं। यानी आमिर की ये बातें साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि जिस तरह से उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध हो रहा है, लोग सोशल मीडिया पर बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड करा रहे हैं, तो वहीं ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत को लेकर के आमिर के जहन में एक डर बैठ गया है। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के विरोध पर आमिर खान ने कहा कि मुझे दुख होता है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि वे देश का सम्मान नहीं करते। उन्होंने कहा कि भारत उनके दिल में है, कृपया मेरी फिल्म का बहिष्कार न करें, प्लीज मेरी फिल्म देखें। जाहिर है सोशल मीडिया पर यूजर्स आमिर खान के इस बदले रवैये को मगरमच्छ के आंसू बता रहे हैं और उनका कहना है कि जैसे ही फिल्म हिट हो जाएगी तो आमिर खान का ये रुख बदल जाएगा। वहीं लोग इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या आमिर खान ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत पर काम शुरू करेंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या फिर लोग उसका विरोध करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल सिर्फ हमारे और आपके जहन में नहीं है, बल्कि ये सवाल सबसे ज्यादा आमिर खान को परेशान कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आमिर खान की इस डर पर आपकी क्या राय है? क्या अगर आमिर खान महाभारत पर काम शुरू करते हैं तो क्या उनके फिल्म का ठीक लाल सिंह चड्ढा जैसा ही विरोध होगा, बहिष्कार होगा, या फिर लोग उसे देखने जाएंगे? क्या आमिर खान को अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।